गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको आवाज़ क्लियर आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता दो, फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे क्लिनिकल मेडिसिन की। आवाज़ क्लियर आ रही है तो कमेंट करके बता दो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके बता दो आवाज़ क्लियर आ रही है तो, फिर क्लिनिकल मेडिसिन की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लिनिकल मेडिसिन यानी परिचयात्मक पशु चिकित्सा मेडिसिन, इसमें अपन पहला चैप्टर ले रहे हैं आज, बीमार पशु की क्लिनिकल जांच यानी क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ सिक एनिमल। यानी इसके अंदर अपन देखेंगे बीमार पशु है तो उसके अपन कौन कौन से जांचें कर सकते हैं और कौन कौन से टेस्ट लगा सकते हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं वेटनरी मेडिसिन जो अपन पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, उसकी क्या डेफिनेशन है। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वेटनरी मेडिसिन की डेफिनेशन बताओ, जो रिटन वाले होते थे उनमें आ जाता है। तो वेटनरी मेडिसिन ये किसकी शाखा है? वेटनरी मेडिसिन चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु में और पक्षियों में, इसके अंतर्गत क्या देखेंगे, पशु में और पक्षियों में होने वाले रोग में होने वाली बीमारियों के कारण, उनके निदान, उपचार, उसका गलन, उसका बचाव और उसके नियंत्रण आदि का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे, ये वेटनरी मेडिसिन चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु व पक्षियों में होने वाले रोग का, रोग के या बीमारियों के कारण, बीमारी है तो बीमारी का कारण देखेंगे अपन, कारण देख लिया कि किस वजह से वो बीमारी हुई है, उसका कारण देख लेंगे, फिर उसका निदान भी क्या है यानी उसका डायग्नोसिस क्या हुआ वो देखेंगे, फिर उसके बाद से अपन देखेंगे कारण देख लिया, निदान देख लिया, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या देंगे, उपचार, फिर उपचार के बाद में आ जाएगा इसके अंदर, उसके अंदर कोई गलन तो नहीं है, इसके अंदर कोई नेक्रोसिस तो नहीं हो गया उसका गलन, ठीक है, गलन के बाद में आ जाएगा, उसका बचाव अपन कैसे कर सकते हैं और उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, उसका बचाव और उसका नियंत्रण, ये सब अपन किससे पढ़ेंगे, ये सब अपन पढ़ेंगे वेटनरी मेडिसिन से। तो पहले डेफिनेशन अपनी होगी वेटनरी मेडिसिन की, वेटनरी मेडिसिन क्या है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु व पक्षियों में होने वाले रोग या बीमारी के कारण, निदान, उपचार, उसका गलन, उसका बचाव और उसके नियंत्रण का अध्ययन करते हैं, इसे ही वेटनरी मेडिसिन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन पहले पेपर में आती थी, तो ये इम्पोर्टेंट है। वेटनरी मेडिसिन क्या है, तो वेटनरी मेडिसिन चिकित्सा विज्ञान की शाखा जिसमें पशु व पक्षियों में होने वाली बीमारी के कारण, उसके निदान, उसका उपचार और उसका गलन, उसका बचाव और उसके नियंत्रण का अध्ययन करते हैं, वो किसके अंदर कहलाती है, वेटनरी मेडिसिन के अंदर कहलाती है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। फिर पशु चिकित्सा विज्ञान है, इसकी कितनी शाखाएं हैं वो देख लेते हैं। वेटनरी मेडिसिन की शाखाएं, इसकी दो शाखाएं हैं,
चिकित्सा विज्ञान की दो शाखाएं हैं। दो शाखा में कौन कौन सी है? पहली शाखा है वो तो पशु रोग विषय चिकित्सा यानी वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन, और दूसरी शाखा है वो है वेटनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन। यानी एक तो क्लिनिकल मेडिसिन है और एक है प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन इसको हिंदी में बोलेंगे अपन पशु रोग के साथ में आ जाएगा विषय चिकित्सा। तो दूसरी है वेटनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन। वेटनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन को पशु रोग निरोधक चिकित्सा। तो अपन ने देखा है पशु चिकित्सा विज्ञान है इसकी कितनी शाखा है? इसकी दो शाखाएं हैं। दो शाखाओं में कौन कौन सी है? पहली है पशु रोग विषय चिकित्सा, दूसरी है पशु रोग निरोधक चिकित्सा। इनकी भी डेफिनेशन आ जाती है वो देख लेते हैं अपन। पहली है पशु रोग विषय चिकित्सा में इसमें देखते हैं ये भी क्या है। पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु में तंत्र से संबंधित बीमारियों का जो क्लिनिकल मेडिसिन है इसके अंदर तो अपन क्या देखेंगे क्लिनिकल मेडिसिन के अंतर्गत तो जो भी पशुओं में तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं उनके कारण निदान का पढ़ेंगे। इसमें किसका पढ़ेंगे? जो भी तंत्र से संबंधित है पाचन तंत्र हो गया श्वसन तंत्र हो गया या उत्सर्जित तंत्र हो गया उस तंत्र से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनका अध्ययन अपन करेंगे क्लिनिकल या फिर पशु रोग विषय चिकित्सा में। और पशु रोग निरोधक चिकित्सा में अपन किसका अध्ययन करेंगे? पशु रोग निरोधक वाले में अपन जो भी बीमारियां बैक्टीरिया वायरस इनकी वजह से हो रही है जीवाणु विषाणु की वजह से हो रही है पैथोजन की वजह से हो रही है उनकी वजह से जो भी पैथोजनिक होती है पैथोजन की वजह से होती है उनका अध्ययन अपन प्रिवेंटिव मेडिसिन में करेंगे। और जो तंत्र से संबंधित बीमारियां है उनका अपन क्लिनिकल मेडिसिन में अध्ययन करेंगे। और जो पैथोजन से संबंधित बीमारियां है उनका अपन प्रिवेंटिव मेडिसिन में अध्ययन करते हैं। तो इनकी भी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। इनकी डेफिनेशन क्या है वो ब्लीडिंग करके डेफिनेशन देख लेते हैं। पहली है पशु रोग विषय चिकित्सा। पशु रोग विषय चिकित्सा ये क्या है? पशु रोग विषय चिकित्सा में ये वह शाखा है पशु चिकित्सा विज्ञान की जिसके अंतर्गत किसकी शाखा है? पशु चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। पशु चिकित्सा विज्ञान की शाखा
अध्ययन करेंगे जिसके अंतर्गत अपन पशुओं के तंत्र से संबंधित बीमारियों के, जो भी पशुओं के तंत्र से संबंधित बीमारियां है देखेंगे कि किस कारण से हो रहा है, फिर उसका निदान देखेंगे अपन कि उसका क्या निदान है, फिर उसका उपचार बचाव और उससे क्या संबंध है, ये अध्ययन अपन इसमें करते हैं। तो जो भी पशु के तंत्र से संबंधित बीमारियां है उसका कारण देखेंगे, उसका उपचार, उसका निदान और उसका बचाव कैसे कर सकते हैं उससे, ये सब अध्ययन अपन किसमें करेंगे, वो अपन करेंगे पशु रोग विषय चिकित्सा में, यानी क्लिनिकल मेडिसिन में अपन इन चीजों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद है पशु रोग निषेधक चिकित्सा। पशु रोग निषेधक चिकित्सा में क्या होगा, किसकी शाखा है, ये है पशु चिकित्सा विज्ञान की शाखा जिसके अंदर पशु में फैलने वाली बीमारियों का अध्ययन होता है। इसमें किसका अध्ययन करेंगे, पशु में फैलने वाली बीमारियों का अध्ययन करेंगे। पशु में फैलने वाली बीमारियों का अध्ययन करेंगे जो भी बीमारियां पशु में फैलती है जीवाणु विषाणु की वजह से, उनके लक्षण, उनके उपचार और बचाव आदि का अध्ययन करते हैं। लक्षण हो, बचाव हो और उपचार का अध्ययन करते हैं। पैथोजन से जो भी फैलती है बीमारियां, पशु में फैलने वाली बीमारियां जो पैथोजन से फैलते हैं उनके लक्षण का अध्ययन करेंगे, उनसे बचाव कैसे कर सकते हैं, उसका उपचार, ये सब अध्ययन किसमें आएगा, ये सब अध्ययन अपन करेंगे पशु रोग निरोधक चिकित्सा में। फिर है स्वास्थ्य किसे कहते हैं या हेल्थ की क्या डेफिनेशन है, ये भी पूछ ली जाती है कभी कभी पेपर में। स्वास्थ्य तो जो इसकी डेफिनेशन दी है वो WHO ने दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ये इम्पोर्टेंट है देख लेना, ये भी पेपर में पूछ ली जाती है। स्वास्थ्य क्या है या हेल्थ WHO के अनुसार क्या है, पशु की वह स्थिति, ये क्या है पशु की स्थिति है, पशु की वह स्थिति पशु की वह स्थिति जिसमें वह शारीरिक यानी फिजिकल शारीरिक और शरीर की क्रियात्मक हो जाएगी और मानसिक उसकी मानसिक रूप से ठीक है। तो अपन उसकी हेल्थ या उसके स्वास्थ्य में क्या देखेंगे, पशु के स्वास्थ्य में, पशु के स्वास्थ्य की परिभाषा WHO ने दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, उनके अनुसार पशु की वह स्थिति जिसमें वह शारीरिक शरीर की क्रियात्मक और मानसिक रूप से ठीक हो, उस स्थिति को क्या कहेंगे, उस स्थिति को बोलेंगे कि पशु स्वस्थ है। यानी स्वस्थ कैसे है, पशु की वह स्थिति जब शारीरिक शरीर की क्रियात्मक और मानसिक रूप से ठीक है, उस पशु को स्वस्थ है या उस कंडीशन को स्वास्थ्य बोलेंगे कि वो पशु स्वस्थ है। ठीक है, हेल्थ का हो गया, ये स्वस्थ कंडीशन क्या है, जब पशु शारीरिक स्वस्थ यानी हेल्थ
हेल्दी पशु का होगा पशु की वह स्थिति जिसमें वो शारीरिक या शरीर की क्रियात्मक और मानसिक रूप से ठीक है, उसी को अपन क्या बोलेंगे कि वो पशु स्वस्थ है या स्वास्थ्य है उसका। अब बीमारी का बोलेंगे कि बीमार या डिजीज, बीमारी या डिजीज देख लेते हैं कि वो कौन सी कंडीशन होती है। अब बीमारी या डिजीज ये डेफिनेशन भी कभी आ जाती है पेपर में, बीमारी कब होगी या डिजीज टेक्निकल कब बोलेंगे अपन उसको। बीमारी या डिजीज वो होता है कि वह स्थिति जिसमें पशु अपने शरीर के नियमित क्रियात्मक अथवा भौतिक स्थिति सुचारू रूप से नहीं कर पाता। तो क्या होगा, जो पशु की नियमित क्रियात्मक, पशु की नियमित क्रियात्मक और उसके साथ में कौन सी क्रियात्मक के साथ में उसकी भौतिक, तो अपन को दो वर्ड ही याद रखने, एक तो नियमित क्रियात्मक और उसकी नियमित भौतिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से नहीं कर पाता, उसी कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, उसी कंडीशन को अपन डिजीज या बीमार बोलेंगे। बीमार पशु कौन सा, जिसकी नियमित क्रियात्मक और भौतिक प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा। वह पशु जो नियमित क्रियात्मक और भौतिक प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा वह पशु क्या है, वह पशु डिजीज है या फिर वह पशु बीमार है। तो बीमारी की क्या परिभाषा होगी, बीमारी की परिभाषा होगी कि वह स्थिति है जिसमें पशु अपने शरीर के नियमित क्रियात्मक और भौतिक कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाता, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को अपन बोलेंगे डिजीज या फिर बीमारी की स्थिति। तो क्या होता है, नियमित क्रियात्मक और भौतिक स्थिति सुचारू रूप से नहीं रख पा रहा, तो वो पशु कैसा हो जाएगा, वो पशु बीमार हो जाएगा और उस कंडीशन को अपन डिजीज कंडीशन बोल देंगे। अब अपन दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं, तनाव की यानी स्ट्रेस वो कब आएगी, तनाव या स्ट्रेस की, तनाव या स्ट्रेस में क्या होगा, तनाव का अर्थ है भौतिक वातावरण और न्यूट्रिशनल यानी पोषक और उपापचय दबाव। कोई भी दबाव हो पशु पर कैसा, या तो उसका भौतिक यानी फिजिकल वातावरण यानी एनवायरमेंटल, पोषक यानी न्यूट्रिशनल या उपापचय मेटाबॉलिज्म में कोई दबाव हो तो उस कंडीशन में पशु में स्ट्रेस या तनाव की स्थिति आ जाती है। पशु में तनाव की स्थिति कब आएगी, स्ट्रेस की कंडीशन जब उसके अंदर भौतिक यानी फिजिकल दबाव आ जाएगा, फिजिकल भौतिक के बाद में कौन सा, वातावरण का, वातावरण यानी एनवायरमेंट है, एनवायरमेंटल के बाद में कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, एनवायरमेंटल के बाद में पोषण या न्यूट्रिशन का, पोषण या न्यूट्रिशन और उसके बाद में उपापचय का दबाव आ जाए यानी मेटाबॉलिज्म। इन कंडीशन में अपन बोलेंगे कि पशु में क्या है, स्ट्रेस या तनाव की स्थिति आ गई है। पशु में स्ट्रेस या तनाव की स्थिति में क्या होगा, उसके अंदर भौतिक फिजिकल वातावरणीय एनवायरमेंटल या पोषक उपापचय दबाव आ जाए। जैसे फिजिकल तो कहते हैं उसके ऊपर ज्यादा भार ले लिया अपन ने, वातावरण में ज्यादा गर्मी आ गई या ज्यादा सर्दी आ गई तो वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो जाएगा यानी वातावरण का दबाव। पोषक में उसको कम न्यूट्रिशन डाइट मिल रही है तो वो हो जाएगा पोषक या न्यूट्रिशनल
दबाव, ठीक है, उपापचय, इसके मेटाबॉलिज्म में हो गया ऊपर नीचे, तो मेटाबॉलिज्म में इसमें उपापचय क्रिया सही सुचारू रूप से नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर दबाव या फिर स्ट्रेस की कंडीशन आ जाएगी। यानी स्ट्रेस कितने तरीके से हो सकता है, कोई भी फिजिकल हो उसके अंदर, फिजिकल, एनवायरमेंटल, न्यूट्रिशनल या मेटाबॉलिज्म, यानी वातावरण का भौतिक, भौतिक हो गया, भौतिक वातावरण या फोर्स है या उपापचय का, ये सारी कंडीशन, इनमें दबाव आ गया तो उसके अंदर क्या होगा, वो स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाता है जानवर, और उसके अंदर तनाव हो जाता है। तो तनाव की डेफिनेशन क्या है, जब भी कोई पशु में भौतिक वातावरण, पोषक या उपापचय दबाव आता है तो इस कंडीशन को स्ट्रेस बोलते हैं पशु है। तो अपने 6 डेफिनेशन हो गई है। अब फिर है बीमारी का वर्गीकरण, बीमारी का वर्गीकरण अपन ने कैसे किया है वो देख लेते हैं। रोगों का वर्गीकरण या बीमारी का वर्गीकरण, रोगों का वर्गीकरण वो क्या है, पहला है जो रोग कैसे हो रहे हैं, उत्पत्ति या वंशागत है, उसकी उत्पत्ति के अकॉर्डिंग देखेंगे पहले। तो वर्गीकरण अपन 6 तरीके से करेंगे। पहला कैसे देखेंगे रोग का वर्गीकरण, कि उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, या तो वो वंशागत है, या वो उसकी भ्रूण अवस्था में आ रहा है, या फिर वो वातावरण से आ रहा है। तो पहला है उसकी उत्पत्ति के आधार पर, पहला है उसका वर्गीकरण वो है उसकी उत्पत्ति के आधार पर। फिर दूसरा वर्गीकरण जो देंगे वो अपना होगा, दूसरा वर्गीकरण होगा रोग की गंभीरता के आधार पर, कि रोग कितना गंभीर है, रोग की गंभीरता के आधार पर। दूसरा है रोग की गंभीरता के आधार पर, कि रोग कितना गंभीर है उसके आधार पर क्या वर्गीकरण है। फिर तीसरा है किसी की कमी के आधार पर, कि कोई न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है, तो किसी की कमी के आधार पर। कमी के आधार पर के बाद में आ जाएगा अपने इसके अंदर वो है कि रोग की उत्पत्ति के आधार पर या फिर उसके आरंभ होने के ढंग के आधार पर आ जाएगा, कि रोग आरंभ कैसे हुआ, रोग की शुरुआत कैसे हुई, तो आरंभ होने के आधार पर। फिर है रोग की क्रियाशीलता के आधार पर, क्योंकि क्रियाशीलता कैसे हुई, तो पांचवा है रोग की क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर अपन ने पहला देख लिया उसकी उत्पत्ति के आधार पर, फिर अपन ने देख लिया उसकी गंभीरता के आधार पर, फिर अपन उसकी कमी के आधार पर, फिर आरंभ होने के आधार पर, उसकी क्रियाशीलता के आधार पर, फिर है कि उसकी प्रबलता के आधार पर। ऐसा है रोग की प्रबलता के आधार पर, ठीक है। तो ये 6 प्रकार से अपन रोग का वर्गीकरण करेंगे। तो रोग के वर्गीकरण में पहले उसकी उत्पत्ति देखेंगे अपन, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, फिर देखेंगे उसकी गंभीरता कितनी है, रोग की एक्यूट है पर अक्यूट है, उसमें डेथ कितने दिनों में हो रही है, कितने घंटों में हो रही है वो देखेंगे, किसी की कमी से हो रहा है, कोई विटामिन की कमी है या कोई न्यूट्रिशन की कमी है,
रोग आरंभ होने के आधार पर, यानी रोग कैसे आरंभ हो रहा है उसके आधार पर हो जाएगा। फिर है आरंभ होने के आधार पर, फिर है क्रियाशीलता कितनी है कौन से एनिमल में उसके आधार पर हो जाएगा। फिर है प्रबलता के आधार पर, यानी कैसी इसकी प्रबलता है, एक एरिया में ज्यादा मिल रहा है या पूरे वर्ल्ड में मिल रहा है, तो उसके आधार पर प्रबलता के आधार पर ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपन क्लासिफिकेशन एक एक करके नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर अपन स्टार्ट कर लेंगे। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना। थैंक यू।